महेश्वर में भाजपा नेता के पैतृक मकान में पकड़ा गया आईपीएल का सट्टा, 5 आरोपी गिरफ्तार। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऑल इंडिया न्यूज 24 के सामने। आइए पढ़ते हैं मध्य प्रदेश से आई खबर की ओर। खबर मध्य प्रदेश के खरगोन से है, जहां खरगोन टीम द्वारा जिला सहकारी बैंक के पास भाजपा नेता भूपेंद्र जैन के पैतृक मकान में 5 आरोपियों को क्रिकेट में के संबंध में सट्टा लिखते गिरफ्तार कर लिया, जिसमें 1,44,000 रुपये नकद एवं इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के रूप में लैपटॉप, मोबाइल सहित अन्य सामग्री जब्त की गई। आरोपियों में मुख्य रूप से जयंती लाल करही, कान्हा करही, विकास इंदौर, धीरज खरगोन, राकेश निवासी करौंदिया को गिरफ्तार किया गया है। इन सभी आरोपियों पर धारा 420-34 भादवी 4 क सट्टा एक्ट अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है। उक्त कार्रवाई नगर में चर्चा का विषय बने हुई है। आईपीएल के सट्टे को लेकर यह दूसरी बार बड़ी कार्रवाई की गई है। उक्त दोनों कार्रवाई खरगोन से ही की गई है, जिसके चलते नगर के पुलिस प्रशासन पर सवालिया निशान उठ रहे हैं। उक्त दोनों बड़े आईपीएल सट्टा शहर की तर्ज पर नगर में चलाए जा रहे थे, जिसकी स्थानीय पुलिस प्रशासन को कोई भनक तक नहीं थी या जानकर भी अनजान थे। अब देखना होगा कि स्थानीय पुलिस प्रशासन उक्त सट्टे जैसे अपराधों पर लगाम लगा पाएगी या नहीं। देखिए ऑल इंडिया न्यूज 24x7 के साथ खरगोन से मिथुन यादव के साथ दीपक वर्मा की रिपोर्ट। सूचना प्राप्त हुई थी बताया जा रहा, भाजपा का नेता भी शामिल है।